कमेंट को डे कर देना। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अतुल राजस्थान क्लासेज में। अतुल राजस्थान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चंदू खुश रहो डियर, सचिन नागा हेलो गुरुदेव खुश रहो डियर, कैसे हो आप सभी, फटाक से कमेंट करके बताओ। गुड इवनिंग माली, माली बिश्नोई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, जो भी लाइव आ चुके हैं फटाक से शेयर करते रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नए अंदाज में स्टार्ट करेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। माली, माली बिश्नोई, जय श्री कृष्णा, राधे राधे डियर, रवि कुमार जाट, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, खुश रहो। एक बार फटाक से शेयर कर दो भाई, मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल सभी को बिल्कुल बेसिक मेथड से देखना है, पहली क्लास से लेकर लास्ट वाली क्लास तक आपको देखना है, तभी आपके कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे। पूजा चौधरी हेलो सर खुश रहो डियर, अरुण बांगड़ गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग खुश रहो। अब जो भी लाइव आ चुके हैं एक बार फटाक से शेयर कर दो। अपनी आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो टाइप अपनी चौथी मतलब कौन सी प्रतिशत, कौन सा टॉपिक होगा अपना, प्रतिशत परसेंटेज आज आपका टॉपिक होगा। और ये मैथ की क्लास का आपका, मैथ्स की क्लास का कौन सा टॉपिक है, चौथा टॉपिक है। गुड इवनिंग डियर कारेल यार्ड, गुड इवनिंग खुश रहो डियर, चौथा टॉपिक है। पहला टॉपिक कौन सा करवाया है अपन ने, पहला टॉपिक किया था एवरेज, दूसरा कौन सा किया है साधारण ब्याज, तीसरा कौन सा किया अपन ने चक्रवर्ती ब्याज, और आज जो चौथे नंबर पे होगा वो कौन सा होगा लाडलो, अरे लाडलो और लाडलियो कौन सा नंबर का होगा, चौथे नंबर का होगा, और कौन सा होगा प्रतिशत का होगा, परसेंटेज का होगा। ठीक है, तो जो भी लाइव आ चुके हैं फटाक से शेयर कर दो, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। कुछ दो तीन मिनट की अपन चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक प्रतिशत का मतलब क्या होता है। चर्चा स्टार्ट करता हूं, आपका काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और क्या काम है, बस अभी तो यही काम है, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप, शेयर करोगे। तो लाडलो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है लाडलो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखो इसी के अंदर छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे दो टुकड़े करते हैं, एक तो प्रति करते हैं, एक सत करते हैं। प्रति का मतलब क्या होता है लाडलो, एक, अरे प्रति का मतलब क्या होता है एक, और यहाँ सत लिखा हुआ है, सत का मतलब क्या होता है सौ, सत का मतलब क्या लिखा हुआ होता है सौ। अरे सौ रुपए के नोट पर आपने देखा होगा, अरे सौ रुपए थोड़ी लिखे हुए आते हैं उसके ऊपर, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है एक सौ रुपये, क्या लिखे हुए आते हैं एक सौ रुपये। रवि कुमार जाट कह रहे हैं हमारे पास पहले वाली क्लास नहीं आई। रवि कुमार जाट, किसी न किसी स्टूडेंट से आप जुड़े हुए होंगे, मेरे पास तो देखो आप किसी के नंबर है नहीं, तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर नहीं सकता। तो आप एक काम किया करो, अतुल राजस्थान क्लासेज यूट्यूब पे सर्च किया करो, और वहां रात को 9 बजे, डेली रात को 9 बजे अपनी मैथ्स की क्लास होती है, संडे को छोड़कर सोमवार से शनिवार तक आपका टाइमिंग फिक्स है 9 बजे का, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अतुल राजस्थान क्लासेज के नाम से है, वहां पे भी आपके पास लिंक आ जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ प्रतिशत का मतलब हुआ 100, मतलब ये प्रतिशत इसका हिस्सा कितने में से निकलेगा भाई, 100 में से। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 100 में से, 100 में से किसी भी वस्तु के मान का अपन मान निकालते हैं वो उसका क्या कहलाएगा, अपना प्रतिशत कहलाएगा। अब बात करते हैं, 13 लाइव है और 7 लाइक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये लाइक अपने आप ठोक के जाएंगे बाद में, इनको देखो कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो लाडलो, पहले जब अपन छोटी स्कूल में मतलब छोटी क्लासों के अंदर, स्कूल तो सारी बड़ी होती है, छोटी क्लासों के अंदर अपन टेस्ट देते थे ना, 7 दिन में लगता हो, 15 दिन में लगता हो। चंदू, रवि कुमार, मैथ्स भाई, सतवीर सर नाम से सर्च कर लियो, कर लो, मिल जाएगी सब क्लासेज। हाँ हाँ, YouTube पे आप सर्च कर सकते हो, YouTube पे आप मैथ्स वाई सतवीर सर सर्च करोगे तो ऊपर ही ऊपर अपना नाम आ जाएगा, ठीक है ना, वहां से आप क्लासे, पूरी क्लासे, देखो मैंने
तीन टॉपिक आपके कवर करवा दिए, औसत का करवा दिया है, साधारण ब्याज करवा दिया है, चक्रवर्ती ब्याज करवा दिया है, वो वहां से देख सकते हो। नाइस क्लास फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, थैंक यू डियर। अब देखो इधर, जैसे छोटी क्लास अपनी जो अपनी टेस्ट देते थे पहले वाली क्लासों के अंदर, तो अपना जो टेस्ट होता था वो कितने नंबर का होता था? 10 नंबर का। इसका मतलब वास्तविक मान नीचे रखा गया है। देखो जो उसका वास्तविक नंबर था ना, कितने में से रिजल्ट आने वाला है, वो वास्तविक मान नीचे रखा गया, नीचे ही रखते थे पहले भी। अब इसमें से कितने नंबर आए, जैसे 7 नंबर आए किसी विद्यार्थी के, तो अपनी जो भी मैथ वाली मैडम हो, चाहे साइंस वाली मैडम हो, चाहे इंग्लिश वाले खूंखार टीचर हो, चाहे साइंस वाली खूंखार मैडम हो, वो अपने को टेस्ट में ऐसे नंबर देती थी, और इसके साथ ये भी लिख कर देती थी गुड, ठीक है। और अगर किसी के 10 में से 9 नंबर आ रहे हैं तो उसको फिर वो लिख के देती थी वेरी गुड, ठीक है। और अगर किसी के 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं तो 10/10 लिख के क्या लिखती थी? वेरी वेरी गुड। क्या लिखती थी? वेरी वेरी गुड, ऐसा कुछ लिखते थे अपने, ठीक है। अब घरवालों के पास जाते थे अपना टेस्ट होने के बाद, ठीक है, घरवाले क्या पूछते थे अपने से कि बेटा कितने नंबर आए तेरे मैथ्स के अंदर या साइंस के अंदर? तो घरवालों को बोले अपन ने, पापा 10 में से कितने नंबर आए? 7 नंबर आए। 10 में से कितने नंबर आए? 7 नंबर आए। 10 में से कितने नंबर आए? 9 नंबर आए। 10 में से कितने नंबर आए? 10 नंबर आए। घरवालों ने मारा थप्पड़ कि मेरे को नंबर नहीं, मेरे को ये बता कितने प्रतिशत नंबर आए, कितने प्रतिशत नंबर आए। घरवाले अब की बार नंबर नहीं पूछ रहे, अब की बार क्या पूछ रहे, उन नंबरों का क्या पूछ रहे, प्रतिशत पूछ रहे। तो लाडलो यहां से देखो, ये 7/10, देखो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में रखी जाए, P/Q के रूप में रखी जाए, और क्यू का मान कभी भी क्या नहीं आना चाहिए? 0। पी का मतलब ये अलग संख्या, ये अलग संख्या, P/Q के रूप में रखी जाए, वो सारी की सारी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? आपकी भिन्न संख्या कहलाती है। और ये भी तो 7/10 एक भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है, भिन्न संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न संख्या को 100 से गुणा कर दो। अगर घरवाले आपको प्रतिशत में नंबर पूछे तो 7/10 और गुणा में कितना कर देंगे? 100। 1 0 से 1 0 कट गया, तो मेरे जो प्रतिशत नंबर हुए वो कितने हुए? 70%। अब घरवाले पूछे तो घरवालों को बता सकते, 10 में से 7 नंबर आए, प्रतिशत में पूछे तो कितना बताओगे? 70%। यहां से समझ लेना कुछ, ठीक है। 9/10 को गुणा में 100 करोगे तो इसमें कितने प्रतिशत नंबर आए लाड लो? 90%। यहां 10/10 गुणा में 100 करोगे तो यहां कितने प्रतिशत नंबर आए? 100% नंबर आए, ठीक है। ये तो था इसका कुछ बेसिक नॉलेज, ठीक है, कि कहीं पे आपको भिन्न संख्या मिल जाए और अगर उसको प्रतिशत में बदलना हो तो उस भिन्न संख्या को कितने से गुणा कर देंगे अपन लाड लो? 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से। सुरेंद्र चौधरी गुड इवनिंग सर, खुश रहो डियर। हरीश रोलानिया खुश रहो डियर। अब इधर देखो यहाँ पे, अब अगर ऑलरेडी आपको ये कह दिया जाए कि किसी विद्यार्थी के 70% नंबर आए, देखो पहले तो नंबर अपने को बता रहे थे कि 7 नंबर आए, अब ऑलरेडी अपने को ये कह रहे कि किसी विद्यार्थी के 70% नंबर आए, तो इसकी भिन्न संख्या क्या होगी? इसकी भिन्न संख्या क्या होगी? अब देखो लाडलो, मैं गई क्लास में, पिछली क्लास में, साधारण ब्याज की क्लास में और चक्रवर्ती ब्याज की क्लास में भी ये आपको बता चुका हूं कि किसी भी संख्या के आगे प्रतिशत लिखा हुआ मिल जाए तो उस प्रतिशत के चिन्ह को हटाते ही उस संख्या के नीचे कितने का भाग दे देंगे? 100 का भाग दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गई, तो जो मेरी फ्रैक्शन आई वो फ्रैक्शन कितनी आ गई? 7/10। कितनी आ गई लाडलो? 7/10। बस आपको ये चीज ही सीखनी है। अब देखो कई आप YouTube पे और भी बहुत सारी क्लासे देखोगे ना प्रतिशत की, तो आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलेगा कि 1/2 भी एक भिन्न संख्या है। कौन सी संख्या है भाई? भिन्न संख्या है। देखो वो चीज मैं तो आपको कहूंगा नहीं, देखो इतना टाइम आपके पास है नहीं और इतना आप रट्टा मारोगे, ये रट्टा मारने की बजाय आप इस प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ये टाइम वहां लगाना बहुत अच्छा काम आने वाला है। कई बार आपको जैसे किसी बुक के अंदर पढ़ोगे तो शुरू शुरू में प्रतिशत लिखा हुआ मिलेगा और वहां थोड़ी बहुत ये रामायण लिखी हुई मिलेगी। भाई लाडलो इस रामायण को रटने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो। देखो 1/2 एक भिन्न संख्या होती है, इसको प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे तो इसका प्रतिशत मान कितना आने वाला है? 50%। क्यों? क्योंकि 2 से ये कितनी बार कट गया? 50 बार।
अगर आपके पास 1/3 हो और उसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करोगे। अब देखो लाडलो, 100 को 1 से गुणा किया, 100 में कितने का भाग देना है, 3 का भाग देना है। तो यहाँ पे इसका प्रतिशत मान कितना आने वाला है, 33 सही 1/3%। ऐसे ही आपको और कुछ मिलेगा कि 1/4 का मान क्या होगा, गुणा में 100 करेंगे, इसका मान कितना होगा लाडलो, 25%। ऐसे ही अगर आपको 1/5 का पूछे तो गुणा में 100 करोगे और 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 20%। ठीक है लाडलो, इनको याद मत करना, बस निकालने का तरीका आपके पास होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले 1/11 का प्रतिशत मान क्या होगा, किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। देखो 100 में 11 का भाग दोगे तो 11 × 9 = 99 कितना बच गया, 1। जो शेष बचे वो ऊपर और जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे, तो इसका प्रतिशत मान हो गया 9 सही 1/11%। अगर आपसे पूछ ले कि 1/15 का प्रतिशत मान क्या होगा तो गुणा में 100 कर दोगे तो 15 से कितनी बार कट गया, 6 बार, 15 × 6 = 90 कितना बच गया, 10। देखो 5 से 2 बार कटा और 5 से कितनी बार कटा, 3, तो इसका प्रतिशत मान हो गया 6 सही 2/3%। ठीक है लाडलो, इन चीजों को आप रटना मत, बस निकालने का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अब देखो इसके आगे और कुछ मिलेगा आपको, जैसे आपसे पूछ ले कि 3/5 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो पहला आपका सीधा सा तरीका तो यही होगा कि 3/5 और गुणा में कितना कर लिया जाए, 100 कर लिया जाए। 5 से कितनी बार कट गया, 20 बार, 20 को 3 से गुणा करोगे कितना प्रतिशत आ जाएगा, 60% आ जाएगा। ठीक है लाडलो, आप बस कॉन्सेप्ट समझ लो कि प्रतिशत के चिन्ह को हटाते ही कितने का भाग देना है, 100 का भाग देना है, या फिर कोई भिन्न संख्या मिल जाए उसको प्रतिशत में बदलना है, कितने से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ छोटे छोटे, उसके माध्यम से अपन सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपकी ये पहली टाइप है, कौन सी टाइप है लाडलो, पहली टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट है। इसका कोई छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि यदि किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 120 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 40% बढ़ जाती है। 40% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो प्रारंभ में वो संख्या क्या थी। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बताया जाएगा, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, बिल्कुल बेसिक मेथड से बताने वाला हूं। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए लाडलो, 120 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 40% बढ़ जाती है, तो प्रारंभ में वह संख्या क्या थी। ध्यान रखना लाडलो और लाडलियो, मैं अपने आप में 100% हूं, मैं अपने आप में कितना प्रतिशत हूं, 100% हूं, आप भी अपने आप में कितना प्रतिशत हो, 100% है। अगर कोई विकलांग है तो ये मत समझना कि वो 100% नहीं है, वो 100% से कम है, गलत बात है ये। विकलांग आदमी भी अपनी जगह तो 100% है, अपनी जगह तो क्या है, 100%, लेकिन जब आपसे तुलना होगी तब वो 100% में तुलना होगी। जैसे किसी आदमी के एक हाथ नहीं है, पूरा ही हाथ नहीं है, ठीक है, तो वो विकलांग की श्रेणी में आएगा, मान लो, ठीक है, किसी आदमी के एक पूरा हाथ नहीं है, विकलांग की श्रेणी में आएगा, लेकिन जब वो खुद से कंपेयर करेगा तो अपने आप में तो कितना प्रतिशत है, 100, लेकिन जब वो आपसे तुलना करेगा तब वो 100% में से तुलना होगी कि आप तो 100% हो, फिर उसकी तुलना 100 में से की जाएगी। ठीक है लाडलो, यहीं से अपन कुछ सीखते हैं, इसका बेसिक नॉलेज क्या होगा। देखो क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाए, तो लाडलो ये बताओ, यहां पे ये कह रहा है क्वेश्चन आपका कि किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाए, जोड़ने का मतलब क्या है लाडलो, प्लस का चिन्ह, किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाए, अरे कुछ जोड़ोगे, जैसे 5 के अंदर 6 जोड़ोगे तो कहां लिखोगे इसको, 5 और 6 = 11 को कहां लिखोगे, सर बराबर के बाद में लिखेंगे इसका रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट जो है वो बराबर के बाद में ही तो आता है। तो किसी संख्या में मैं 120 जोड़ रहा हूं और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बाद में ही तो आएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि जब ये वाला आप कारनामा करोगे तो वो संख्या स्वयं की कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी,
40% बढ़ जाएगी। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि वो जो संख्या है वो अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है। अरे जो वो संख्या थी वो अपने आप में कितने प्रतिशत है, 100% है, और 100 की 40% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी लाडलो, 140। 100 की 40% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 140। तो 100 की यहां पे 40% बढ़ेगी तो कितना लिखोगे, 140, क्योंकि वो खुद की तो कितने प्रतिशत है, 100, और उसकी भी कितने प्रतिशत बढ़ रही है, 40। तो 100 के अंदर 40% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 140। ये आपका क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है इस फॉर्मेट के अंदर कि किसी संख्या में 120 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं की 140%, मतलब 40% बढ़कर कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। अब यहां से देखो, वो संख्या आपके पास थी क्या, नहीं थी, तो मान लिया वो संख्या क्या है, x। x में कितना जोड़ा, 120, तो वो संख्या आपने x माना तो x की कितने प्रतिशत हो गई लाडलो, 140%। ठीक है, ध्यान रखना कहीं पे आपको का मिल जाए, के मिल जाए या की मिल जाए किसी संख्या के साथ में, तो का, के और की तीनों का मतलब किसका चिन्ह होता है, गुणा होता है, तीनों का मतलब क्या होगा, गुणा। तो यहां पे आपको की मिल रहा है तो की का मतलब क्या होगा लाडलो, गुणा, तो यहां पे गुणा। यहां से जब प्रतिशत के चिन्ह को हटाऊंगा तो कितने का भाग दूंगा, 100 का भाग दूंगा। देखो 20 से कितनी बार कट गया, 7 बार, और 20 से कितनी बार कट गया, 5 बार। ठीक है लाडलो, हाँ आराम से देखते जाओ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। आप आंसर बी बता रहे हो, इसका आंसर बी होगा, 300 ही होगा, देखेंगे कैसे होगा, बिल्कुल ठीक है। तो x प्लस 120 देखो बराबर में 7 को x से गुणा किया तो 7x, और बटे में कितना होगा, 5, इसके बटे में कितना मान सकते हो, 1। क्या करोगे आप, वज्र गुणा, 7x को 1 से गुणा किया तो 7x, 5 को x से गुणा किया तो 5x, आगे प्लस का चिन्ह, ठीक है, 5 को 120 से गुणा किया तो कितना हुआ लाडलो, 600। ये 5x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 7x में से 5x निकालोगे तो कितना बच गया आपके पास, 2x, और 2x के बराबर में कितना, 600। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 300। x की वैल्यू क्यों निकालनी थी, क्योंकि आपने किसी संख्या को क्या माना था, x, तो वो संख्या कौन सी आपके पास, x है, तो यहाँ पे किसी संख्या की जगह, मतलब प्रारंभिक संख्या आपकी कौन सी हो चुकी है, 300 हो चुकी है। इसमें कितना जोड़ने को कह रहा था, 120, 120 जोड़ने के बाद अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, 420। ये तो था लाडलो इसका कौन सा कॉन्सेप्ट, बेसिक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। धर्मेंद्र जाट, गुड इवनिंग सर, खुश रहो डियर धर्मेंद्र। अरे धर्मेंद्र, आर्मी की एग्जाम में प्रतिशत आएगी, अच्छे से पढ़ लेना छोरे। विक्रम सिंह गुजर, हरपूल सिंह, अरे हरपूल यार कहाँ गायब हो गया था रे तू, छोरे हरपूल कहाँ गायब हो गया था, अरे किसी के साथ बक तो नहीं गया था तू, अरे छोरे हरपूल किसी के साथ बग तो नहीं गया था। अब देखो लाडलो, जो आप किसी कॉन्सेप्ट, मतलब लॉजिकल मेथड से आप कैसे करने वाले हो, बिल्कुल अच्छे से समझना, जीरो मेथड से आप बिल्कुल बेसिक मेथड से समझते हुए चलना। देखो आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 40% बढ़ जाती है, तो मुझे पहले तो आप इस 40% का मतलब ही बताओ। देखो 40% बढ़ रही है तो किसका होगा, प्लस का, अगर घट रही होती तो किसका होता, माइनस का। सर 40% का मतलब होता है 40/100, और 40/100 का मतलब होता है 20 × 40 और 20 × 50, 100। तो लाडलो ये आपकी कौन सी संख्या आई, फ्रैक्शन आई, क्या है आपका फ्रैक्शन आ चुका है। मिंटू रोलानिया, गुड इवनिंग, खुश रहो डियर, ये आपकी फ्रैक्शन आ चुकी है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि नीचे वाला मान किसका होता है, वास्तविक मान होता है, तो सर फिर ये ऊपर वाला मान किसका होगा। देखो लाडलो, 5 का 40% निकालो, 5 का क्या निकालोगे 40%, 5 का जब 40% निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 ही आने वाला है। 5 का जब 40% निकालोगे तब आपके पास क्या आएगा, 2। इसका मतलब ये 2 क्या हुआ सर, इस वास्तविक मान का क्या हुआ, रिजल्ट हुआ, इस वास्तविक मान का क्या होगा, रिजल्ट होगा 2 ऊपर वाला।
ठीक है। अब रिजल्ट है तो क्या है, देखो वास्तविक मान 5 हो गया, क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था जोड़ने के लिए, तो ऊपर वाला जो दो मान है ना वो रिजल्ट ही तो है, दो जोड़ना है आपको। तो यहां से देखो लाडलो, कहां बताऊं इसको, कहां बताया जाए, जगह ही नहीं है अपने पास। चलो व्हाइट पेज ले लेता हूं एक। देखो 40% था आपके पास, 40% का मतलब आपने बताया 2/5, 2/5 में नीचे वाला मान हो गया वास्तविक मान, ऊपर वाला मान क्या होगा रिजल्ट, और रिजल्ट क्यों होगा 5 का, यदि आप 40% निकालोगे तो 5 का मतलब गुणा 40% के चिन्ह को हटाया 100, 20 से 2 बार कट गया, 20 से 5 बार कट गया, 5 से 5 कट गया, तो आपके पास रिजल्ट कितना आया इसका 2 आया। इसका मतलब मेरा जो वास्तविक मान है वो तो वास्तविक मान या वास्तविक संख्या, वास्तविक मान में रिजल्ट, रिजल्ट क्या बोल रहा था जोड़ने को, तो जोड़ दिया यहाँ पे, तो अंतिम मान आपको मिलने वाला है, क्या मिलेगा लाडलो अंतिम मान। तो यहां से वास्तविक मान तो कितना हुआ 5, और जोड़ी गई संख्या कितनी हुई 2, जब 5 में 2 जोड़ोगे तो अंतिम मान आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा, अंतिम मान कितना मिलेगा 7 मिलेगा। लाडलो क्वेश्चन भी आपका यही कह रहा था कि क्वेश्चन में कितना जोड़ दिया जाए, 120 जोड़ दिया जाए, तो यहां पे देखो भाई लाडलो जोड़ी गई संख्या आपके पास कितनी है 2, 2 दिखा रहे किसको 120 को, 2 दिखा रहे 120 को कितने गुणा में 60 गुणा में, तो इसकी वास्तविक संख्या भी 60 गुणा में और अंतिम संख्या भी 60 गुणा में, 60 को 5 से गुणा करोगे तो वास्तविक संख्या मतलब प्रारंभिक संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 300, अगर अंतिम संख्या पूछे तो अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 420 हो जाएगी, इन दोनों में से किसी एक का मान आपसे पूछ लेगा। ठीक है, फटाक से कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी कमेंट करो। सचिन नागा कह रहा है क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जिससे वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके, इस क्लास का बिल्कुल भी चार्ज नहीं लग रहा। अरे चार्ज तो लग ही नहीं रहा आपका, और शायद हाँ बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लग रहा है आपका। ठीक है, लाइक कितने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो लाडलो मैं लाइक के लिए आपको कहूंगा भी नहीं, अगर आपको क्लास पसंद आए तो ही आपको लाइक करना है, अदरवाइज आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। देखो फोर्स आपके ऊपर बस ये है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अगर एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट के पास शेयर कर रहा है और उसमें से अगर 6 को अगर इसका फायदा मिल रहा है तो इसमें नुकसान वाली बात क्या है। देखो आप अपने मोबाइल के अंदर किसी का भी नंबर सेव कर रखे हो तो ये तो है नहीं कि किसी दुश्मन का नंबर सेव कर रखे हो, किसी अपने का ही कर रखे होगे। बिल्कुल कपिल वर्मा दोबारा बताया जाएगा लाडले, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना तो है ही नहीं आपको। देखो पहला क्वेश्चन कहां गया इसका, ये रहा, बिल्कुल कपिल दोबारा बताया जाएगा लाडले, पहला ही क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत है नहीं। देखो पहला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये मानता हूं मैं अपने आप में कि वो पूरी टाइप ही आपकी क्लियर हो जाएगी, अगर पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वो टाइप ही क्लियर हो चुकी होगी। लाडले क्या करना है, पूरी प्रतिशत में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पूरी जितनी भी अपन प्रतिशत की जितनी भी टाइप्स पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको वहां जो भी प्रतिशत लिखा हुआ मिले क्वेश्चन में उसके ऊपर काम करना है। तो अपने को प्रतिशत मिला है कितना 40%, और 40% का मतलब कितना होता है 2/5, कितना होता है लाडले 2/5। ध्यान रखना नीचे वाला मान, देखो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में भी पहले वाला ही हो रहा था, नीचे वाला मान हमेशा पहले वाला मान होगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में पहले क्या होता है मूलधन, फिर क्या मिलता है ब्याज, फिर क्या बनता है मिश्रधन। प्रतिशत में भी नीचे वाला मान पहले वाला होगा, इसका मतलब पहले कोई वास्तविक संख्या होगी, उसी के अंदर कुछ जोड़ोगे या घटाओगे वही तो करोगे, जोड़ोगे तो भी नई संख्या मिलेगी और घटाओगे तो भी नई संख्या मिलेगी, इसका मतलब नीचे वाला मान होगा वो आपके कौन सा मान होगा प्रारंभिक मान होगा, नीचे वाला मान कौन सा होगा लाडलो प्रारंभिक संख्या होगी, ऊपर वाला मान होगा या तो किसका होगा जोड़ का होगा या घटाव का होगा या गुणा का होगा या किसका होगा भाग का होगा। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा था जोड़ का, तो ऊपर वाला मान बीच वाला मान हो गया जोड़ का, जब प्रारंभिक संख्या में कुछ जोड़ोगे तो आपके पास कौन सी संख्या मिलेगी लाडलो अंतिम संख्या मिलने वाली है, आपको क्या मिलने वाली है अंतिम संख्या,
तो यहां पे प्रारंभिक संख्या कितनी हुई, प्रारंभिक संख्या हुई पांच। कितना जोड़ा, दो जोड़ा। जब पांच में दो जोड़ोगे तो अंतिम संख्या कितनी मिलेगी लाडलो, सात मिलेगी। क्या मिलेगी, सात। ये प्रोसेस सबसे पहले करनी है प्रतिशत को लिखते ही, ठीक है। प्रतिशत को जैसे ही सोल्व करोगे आपको ये प्रोसेस सबसे पहले करनी पड़ेगी। अब प्रतिशत का काम कंप्लीट हो चुका है, फिर क्वेश्चन के अंदर दोबारा चलते हैं कि 120 किसका मान दे रखा था, 120 किसका मान दे रखा है, जोड़ का। तो जोड़ के नीचे ही रख दूंगा कितना, 120। दो दिखा रहा है 120 को, दो को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि ये 120 आ जाए। सर 60 से गुणा कर दो। अगर ये संख्या लाडले 60 गुणा में है तो इसको भी 60 से गुणा कर दे, और अगर इसका मान पूछे तो इसको भी किससे गुणा कर दे, 60 से। किसी एक का ही पूछेगा। 60 को 5 से गुणा करोगे तो प्रारंभिक संख्या कौन सी होगी, 300। तो प्रारंभिक संख्या ही पूछा है तो आपका आंसर कौन सा होगा, 300 होगा। अगर अंतिम संख्या पूछता तो इसको गुणा कर देंगे, 420 होता। अंतिम संख्या कौन सी होती, 420 होती, ठीक है लाडले। अब बताना कमेंट करके कपिल, समझ में आया या नहीं आया। सर आप तो कंटिन्यू रखो, क्लास अच्छा से समझ में आ रहा है। अरे लाडले समझ में तो आ रहा है, किसी एक स्टूडेंट को भी अगर एक टाइप समझ में नहीं आई ना, और अगर उसके वही क्वेश्चन पाती आ गया, बाटे आ गया, या एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन उसके नसीब में आ गया, तो वो जिंदगी भर मेरे को गाली निकालेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गाली निकाले, ठीक है लाडलो। दूसरी टाइप आपकी, दूसरा क्वेश्चन, पहली टाइप का दूसरा क्वेश्चन ये है, जिसको भी समझ में आ चुका है घबराने की जरूरत नहीं है। गलत आंसर आए गलत बताओ, सही आंसर आए सही बताओ। गलत आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट को कहां तक समझ में आ चुका है, कहां से इसके दिक्कत आ रही है, मैं उसको दोबारा बताऊंगा। तो आप इसका आंसर खुद बताने वाले हो, इसका आंसर क्या होगा, फटाक से आंसर बताओ लाडलो। बिल्कुल आप ही को आंसर बताना है इसका, आप ही बताओगे आंसर। आप जब आंसर दोगे उसके बाद मैं इसको समझाना स्टार्ट करूंगा दोबारा से। बेसिक मेथड दोबारा समझना हो बिल्कुल समझ सकते हो। प्रतिशत से आपको अगर सोल्व करना है बिल्कुल उसी मेथड से करने वाले हैं, बहुत अच्छा मेथड है आपके लिए, ठीक है। आंसर बताओ क्या होगा, आज कुछ अलग भी दिख रहा होगा आपको, क्या अलग दिख रहा है आपको। हाँ अब आने चाहिए सबके आंसर, जो भी लाइव देख रहे हैं ना सबके आंसर आने चाहिए। ये नहीं है कि इसने आंसर बता दिया मैं क्यों बताऊं, मैं बताऊंगा तो सर बेइज्जती करेंगे। अरे यहां आपकी शक्ल नहीं दिख रही किसी की, किसी की शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, और भाई बेइज्जती किसकी होती है, जिसकी इज्जत होती है। स्टूडेंट लाइफ के अंदर अभी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है ना। बेशरम होके पढ़ना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेशरम होके पढ़ना चाहिए। कहीं आप ये सोचो कि अगर मैं सर को ये कहूंगी या ये कहूंगा कि सर दोबारा बताओ, तो बाकी बच्चे ये सोचेंगे कि यार देखो इसको समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। देखो आंसर आने लग गए हैं, चंदू का आंसर 360, पूजा चौधरी का आंसर 360, सचिन नागा डी, डी का मतलब 360, मिंटू रोलानिया 360, धर्मेंद्र का भी 360 है, और दीनदयाल एजुकेशन, दीनदयाल जी का आंसर भी क्या है, डी 360 है। बिल्कुल चेक किया जाएगा। क्या किया होगा आपने, सबसे पहले प्रतिशत को सोल्व किया होगा। 30% का मतलब होता है 30/100। आपने एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दिया तो आपके पास फ्रैक्शन कितनी आई, 3/10। नीचे वाला मान कौन सा हुआ, सर प्रारंभिक संख्या कौन सी हो गई, नीचे वाली। फिर ऊपर वाला मान किसका है, ये क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन किसके लिए कह रहा है, जोड़ के लिए। तो ऊपर वाला मान किसका हुआ, जोड़ का। जब प्रारंभिक संख्या में कुछ जोड़ोगे तो आपके पास कौन सी संख्या आने वाली है, अंतिम संख्या आने वाली है। प्रारंभिक संख्या कितनी, 10, जोड़ी गई संख्या कितनी, 3, तो अंतिम संख्या कौन सी मिली, 13। क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, प्रतिशत का काम खत्म हो चुका। 108 किसका मान दे रखा था, सर जोड़ का दे रखा था, जोड़ के नीचे रख दिया 108। 3 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि 108 आ जाए। किसी को अगर ना पता हो तो 108 में 3 का भाग दे लिया करो, 3 3 9 और 3 6 18, मतलब ये संख्या कितने गुणा में आई, 36। तो प्रारंभिक संख्या भी कितने गुणा में होगी, 36।
36 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा लाडलो, 360। और सभी का आंसर सही है, जो भी लाडले और जो भी लाडलिया देख रही थी बिल्कुल सभी का आंसर सही है। इसका मतलब आपको कुछ कुछ समझ में आना स्टार्ट हो चुका है प्रतिशत। रजनीश रूनला बहुत बहुत धन्यवाद डियर, 360 आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके पास ये है कि यदि किसी संख्या में से 70 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 10% कम हो जाएगी, तो संख्या का अंतिम परिणाम ज्ञात कीजिए। अब की बार थोड़ा चेंज है लाडले। कपिल वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद डियर, पीछे वाले क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 360। टी शर्ट डिफरेंट है, अरे टी शर्ट ही दिख रही है क्या डिफरेंट, और कुछ देखो और क्या डिफरेंट दिख रहा आपको, और कोई बताएगा क्या डिफरेंट दिख रहा है आज आपको अलग। हाँ बिल्कुल, टी शर्ट चेंज कर दी आज, ठीक है। एक ही एक टी शर्ट के अंदर देख के आप भी बोर हो गए होगे। लाल टी शर्ट में कई बच्चे तो मेरे को कमेंट करके बोलते थे कि सर जैसे वो बोलते हैं ना जोमेटो वाले लगते हो आप, लाल टी शर्ट पहन के चलते हो तब जोमेटो वाले लगते हो, इसलिए टी शर्ट चेंज कर दिया आज। ठीक है लाडलो, क्या होगा इसका आंसर, यदि किसी संख्या में से 70 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 10% कम हो जाएगी, तो अंतिम परिणाम क्या होगा, अंतिम परिणाम क्या होगा। धर्मेंद्र जाट का आंसर आया है ए, 700। धर्मेंद्र जाट बहुत बुरी तरह से मारूंगा लाडले, ध्यान रखना। रवि कुमार जाट कह रहे हैं लुक, अरे लुक तो वही है पुराने वाला ही अपना, तो लुक का तो क्या है यार है? मिंटू रोलानिया का आंसर ए, गुजर आमोद। गुजर का आंसर आया है डी। पूजा चौधरी का आंसर आया है 630। सचिन नागा का आंसर ए। अरुण बांगड़ का आंसर 360। अरुण बांगड़ कौन से का आंसर बता रहे हैं 360, 360 तो ऑप्शन में ही नहीं है लाडले। धर्मेंद्र जाट, हाँ धर्मेंद्र जाट क्यों मारूंगा उसका रीजन बताऊंगा। रवि कुमार जाट का आंसर है सी, 630। दीनदयाल जी का आंसर है 630। चंदू का आंसर है 630। डिलीट मत करना मिंटू, डिलीट मत करना। लाडलो और लाडलियो ध्यान रखना, किसी एक स्टूडेंट ने डिलीट किया है उसका आंसर गलत था, वो आंसर 700 बताई थी, आंसर 700 नहीं होगा। देखो 10% क्या कर रहा है लाडलो, कम कर रहा है, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। नीचे वाला मान किसका होगा, प्रारंभिक संख्या होगी, नीचे वाला मान किसका होगा, प्रारंभिक संख्या, तो प्रारंभिक संख्या कितनी हुई लाडलो, 10। अब ऊपर वाला मान किसका होगा, पहले तो जोड़ था, अब की बार क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो ऊपर वाला मान किसका हुआ लाडलो, घटाओ। तो देखो प्रारंभिक संख्या में कुछ ना कुछ घटाओगे तब भी आपके पास कौन सी संख्या मिलेगी, अंतिम संख्या। अब की बार घटाना कितना है, 1 घटाना है, तो 1 घटाया तो अंतिम संख्या कितनी हुई, 9 हुई। गलती से 11 मत कर देना, कहीं आपकी वो ही लगे हुए हो कि 10 में 1 जोड़ना है, नहीं, डिपेंड करता है यहां पे क्या दे रखा है। पहले जोड़ था तो जोड़ कर रहे थे अपन, अब की बार घटा रहा है तो अपन घटाओ करेंगे। फिर क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, देखो प्रतिशत का काम खत्म हो चुका, 70 किसका मान दे रखा था घटाने का, और घटाओ का मान कितना है, 1। 1 दिखा रहा है कितने को, 70 को। 1 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि 70 आ जाए, सर 70 से ही गुणा कर दो। फिर जाओ कि मान किसका पूछ रहा है, किसका पूछा है, अंतिम परिणाम ज्ञात कीजिए, तो अंतिम परिणाम तो यही होगा, तो ये भी कितने से गुणा, 70 से। 9 को 70 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा लाडलो, 630। जिसने भी 630 बताया है वो धन्यवाद के पात्र हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गीता राम का आंसर भी 630 था, बिल्कुल राइट था। धर्मेंद्र जाट का आंसर सी था, राइट था। धर्मेंद्र जाट, अरे तेरी तो खोपड़ी फोड़ूंगा धर्मेंद्र में।
विक्रम चौधरी, विक्रम चौधरी ने डिलीट कर दिया मैसेज अपना। सचिन नागा, हाँ सचिन नागा, अगर आपको प्रारंभिक संख्या पूछा होता तो ये भी 70 गुना में होता, लेकिन प्रारंभिक संख्या आपसे नहीं पूछा, आपसे किसका मान पूछा है, अंतिम परिणाम पूछा है। ठीक है लाडलो, चंदू का आंसर सही था, दीनदयाल जी का आंसर सही था, रवि कुमार जाट का आंसर सही था, पूजा चौधरी का आंसर सही था, गुजर डी, डी नहीं था लाडले, उसका भी आंसर गलत था। ठीक है, जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताओ कि समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है लाडलो, अगला क्वेश्चन और दे रहा हूं, अच्छे से बताना। एक बात मुझे यहां से ये बताओ, देखो यहीं से आपसे पूछ लेता हूं मैं कि अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत और भी चेंजिंग मिले, क्या चेंजिंग मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर यह दिया हुआ होता कि किसी संख्या में 70 घटा दिया जाए, किसी संख्या में से 70 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 10% कम, अगर यहां से अगर ये लाइन कहूं मैं कि किसी संख्या में से अगर 70 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 90% बन जाती है। अब की बार यहां से ध्यान रखना लौट लो, यहां ये लाइन मिल जाए कि वह संख्या स्वयं की 90% बन जाती है, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा लाडलो, यहीं से बताना मुझे, 90% बन जाती है इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, 90% बन जाती है, इस लाइन का मतलब क्या होगा। देखो बन जाती है, ठीक है, उसकी प्रोसेस आपको बता देता हूं मैं। जैसे नहा धो के मैं कपड़े पहन रहा हूं, कपड़े पहनने के बाद मैं तैयार हो गया, इसका मतलब तीन प्रोसेस हो चुकी यहां पे, पहले नहा रहा था, फिर मैंने क्या किया, कपड़े पहने, फिर मैं तैयार हो गया, तो यहां पे ये प्रोसेस आपको यही कह रही है कि ये बन जाती है ना, ये अंतिम प्रोसेस है, ये क्या है लाडलो, अंतिम प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, अंतिम प्रोसेस है। अरे लाडलो एक तो क्लास के टाइम फोन मत किया करो, बार बार फोन आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, क्लास स्टार्ट हो चुकी क्या, बावड़ा है ये छोरा भी बिल्कुल ही, क्लास को स्टार्ट हुए आधे घंटा हो गया और अब पूछ रहा है क्लास स्टार्ट हो चुकी है क्या। देखो इधर, अगर आपको ये प्रोसेस मिल जाए 90% बन जाती है, तो बन जाती है का मतलब होता है अंतिम मान, तो आप फिर 90 को सोल्व करोगे, 90% का मतलब 10/10 क्या होगा, 9, तो यहाँ पे ये तो वास्तविक संख्या ही होगी, लेकिन ये संख्या कौन सी होगी, अंतिम संख्या होगी, क्योंकि ये बन चुकी है ऑलरेडी, ये क्या हो चुका है, बन चुका है, तो पहली संख्या 10 और अंतिम संख्या 9, पहली संख्या 10 थी और 10 से आपको 9 लाना है, इसका मतलब घटाना कितना है, 1 घटाना है। ठीक है, अगर इसी टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, नहीं समझ में आता है तो पूछना मुझसे, यदि किसी संख्या में 120 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 70% बन जाती है, 70% बन जाती है, तो संख्या का प्रारंभिक मान ज्ञात कीजिए, संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा बताओ लाडलो, संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, नौ बटे दस, 10% कम हो जाती है, बिल्कुल इसका मतलब यही है कि 10% लेस हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपके लाडलो, बस यही समझाना है मुझे, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, किसी संख्या में 120 घटा दिया जाए, 120 घटा रहे तो वह संख्या स्वयं की 70% बन जाती है, इसका मतलब पहले संख्या कितनी थी, 100%, संख्या कितनी बन गई, 70%, 70% का मतलब क्या हुआ, 7/10,
इसका मतलब नीचे वाला मान किसका हुआ? वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या आपके पास कितनी आई लाड लो? 10। अब देखो ये 7 किसका मान हुआ? 7 अंतिम संख्या का मान हुआ। ये मत कर देना कि सर 7 गठाने का मान है। अगर आपको ये कहता ना कि 70% गठ जाती है, तब आपको वो गठाने का मान लेना था। अब तो ऑलरेडी ये कह रहा है कि वो 70% बन जाएगी, इसका मतलब अंतिम मान। तो यहाँ पे आपके पास अंतिम मान कितना हो गया? अंतिम संख्या का मान कितना हुआ? 7। 10 में से ऐसा क्या करूं मैं कि मेरे पास 7 आ जाए? अरे जोड़ूंगा तब आएगा या गठाऊंगा तब आएगा? बिल्कुल गठाऊंगा तभी तो आएगा। कितना गठाया जाए इसमें से? 3 गठाया जाए। कितना गठाया जाए? 3 गठाया जाए। क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि 120 किसका मान है? गठाने का मान है। तो 120 दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है 120 को। कितने गुणा में दिखाएगा लाडलो? 40 गुणा में। तो ये भी कितने गुणा में होगा? 40 गुणा में। ये भी कितने गुणा में होगा? 40 गुणा में। और ये भी कितने गुणा में होगा? 40। मान किसका पूछा है? प्रारंभिक मान पूछा है। 10 को 40 से गुणा किया तो आंसर कितना होगा? 400 होगा। यही तो पूछा है, 70% बन जाती है, 400 होगा। 400 ऑप्शन ही नहीं है क्या? बिल्कुल 400 होगा इसका मान। प्रारंभिक मान पूछा है तो प्रारंभिक मान कितना होगा? 400 होगा। इस ऑप्शन को हटा देना और इसकी जगह कितना कर देना? 400। 120 गठा दिया जाए तो वह संख्या 70% बन जाती है। ठीक है, हाँ ऑप्शन थोड़ा गलत था। ऑप्शन थोड़ा गलत था, बिल्कुल 400 होगा इसका आंसर। गुजर किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। आया या नहीं समझ में? बिल्कुल 400 कपिल वर्मा, 400 आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल वर्मा। 120 किसका मान था? गठाने का। तो 120 रख दिया, 3 दिखा रहे। 120 को कितने गुणा में? 40 गुणा में। तो प्रारंभिक मान भी कितने गुणा में होगा? 10, मतलब 10 को 40 से गुणा करोगे 40 आएगा। अंतिम मान कितना पूछता? अंतिम होता तो कितना आंसर आता? 280 आंसर आता। अंतिम का कितना आता? 280। ठीक है डियर, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ ऑप्शन के अंदर थोड़ी मिस्टेक थी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंट वो ही होना चाहिए। देखो आगे आपके पास क्वेश्चन है कि किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर वह संख्या 170% बनकर 1020 हो जाती है, तो जोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? फटाक से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बताओ लाडलो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल कपिल वर्मा, अंतिम संख्या का मान 280 होता। रजनीश रुंडला का आंसर सही है, कपिल का आंसर सही है, दीनदयाल जी का आंसर सही है, मिंटू का आंसर सही है, चंदू का भी सही था, धर्मेंद्र जाट का भी सही था, ऑप्शन में नहीं था कोई बात नहीं डियर, सचिन नागा का भी सही था, पूजा चौधरी का भी सही था, रवि कुमार जाट, माई डियर 1020 आंसर नहीं होगा। आंसर कितना था उसका? 400 आंसर था। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इसका आंसर फटाक से बताओ लाड लो। एक दिन के अंदर कम से कम दो टाइप तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से इसका आंसर बताओ। आप फटाक से आंसर बताओगे तभी अगली टाइप स्टार्ट होगी। देखो आपके पास क्वेश्चन है कि किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर, पहले तो आपको दे रहा था कि 70 जोड़ दिया जाए या 70 घटा दिया जाए, अब की बार वो मान भी नहीं दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिया तो वह संख्या 170% बनकर, इसका मतलब 170% को सोल्व करना पड़ेगा। 170% को सोल्व करेंगे तो 170 बट्टे में कितना होगा लाडलो? 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई तो जो अपनी फ्रैक्शन आई वो कितनी आई? 17/10 आई। इसका कहने का मतलब नीचे वाली संख्या कौन सी है? प्रारंभिक संख्या है। तो प्रारंभिक संख्या आपके पास कितनी आ चुकी लाड लो? 10 आ चुकी।
अब ये 17 किसका मान है, देखो 170% बनकर, इसका मतलब अंतिम मान है। तो यहां से अंतिम मान कितना हुआ आपका, अंतिम संख्या का मान कितना हुआ लाडलो, 17। 10 में ऐसा क्या करूं कि 17 आ जाए, अब बताओ लाडलो जोड़ूंगा या घटाऊंगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे इसका मान होगा जोड़, और जोड़ू कितना, 7 जोड़ो सर, 10 में जब 7 जोड़ोगे तब आपके पास क्या आएगा, 17 आएगा, ठीक है लाडलो। अब फिर क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि क्वेश्चन के अंदर 1020 क्या दे रखा है। देखो हो जाती है का मतलब अंतिम ही मान होता है, इसका मतलब 1020 किसका मान दे रखा है, अंतिम संख्या का, तो अंतिम संख्या के नीचे रख दिया 1020। 17 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, देखो लाडलो 17 सीधे कितना होता है 102, और आगे जीरो दे रखी है, तो ये 60 गुणा में, मान किसका पूछा था, जोड़ी गई संख्या का, तो ये भी कितने गुणा में होगा, 60, 7 को 60 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 420। तो आंसर कौन सा सही होगा, ए, कौन सा, ए, बिल्कुल रजनीश रूला का ए, पूजा का आंसर ए, मिंटू का भी ए, जल्दी गई संख्या 420, बिल्कुल जोड़ी गई संख्या 420 होगी। अगर प्रारंभिक संख्या पूछा होता तो प्रारंभिक संख्या भी 60 गुणा में होता, और प्रारंभिक संख्या कितनी आती, 600 आती, लेकिन अपने से जोड़ी गई संख्या पूछा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 420 होना चाहिए। लाडलो ये मेरी पहली टाइप कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल हर कड़ी हर टाइप दूसरी टाइप से किसी ना किसी रूप से जुड़ी हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ये टाइप नंबर 2 है, इसका पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, बिल्कुल धर्मेंद्र जाट, अरे सबका सही है लाडलो, ऐसे तो पेपर को फाड़ के आ जाओगे तुम, चीर फाड़ करके आओगे पेपर के साथ, और कुछ नहीं है तुम्हारा। हाँ जिस हिसाब से तुम बता रहे हो ना, देखो मुझे खुशी कब होती है, कब होती है रे खुशी, हाँ खुशी कब होती है, जब मैं मेहनत करूं आपके लिए किसी टाइप को समझाने के लिए। एक क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, जब दूसरा बताऊं तब आपको लगभग समझ में आ जाए, तीसरे क्वेश्चन के साथ अगर आपको कंप्लीट समझ में आ जाए तब मेरे को दिल से खुशी होती है कि मेरी कराई हुई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और ध्यान रखना लाडलो, ये नहीं है कि अब आप पढ़ लो फिर बाद में आप भूल जाओ, कब भूल जाओ, जब आपकी एग्जाम हो, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी, 5 या 6 या 7 दिन के अंदर मेरी भी बुक लॉन्च हो जाएगी, अगर पॉसिबल हो सके तो खरीदना, वो बुक जरूर खरीदना, क्योंकि उसके अंदर इतना शानदार मैटर मैंने एक जगह कलेक्ट किया है, आपको ये लगेगा जैसे सतवीर सर ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं, उस किताब को पढ़ोगे तभी ऐसा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने मैटर ही ऐसा कुछ डाला है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि किसी संख्या को 3/4 के स्थान पर 5/4 से गुणा कर दिया गया। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसा ही वालों ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। किसी संख्या को, देखो कोई संख्या थी यहां पर, उस संख्या को कितने से गुणा करना था, 3/4 से, लेकिन उसी संख्या को कितने से गुणा कर दिया गया, गलती से कितने से गुणा कर दिया, 5/4 से। हो जाता है कभी कभार ऐसा कि 3/4 से गुणा करना था, ऊपर 3 की जगह 5 लगा दिया, नीचे 4 का 4 रह गया, गलती हो जाती है ऐसे, ठीक है लाडलो। 3/4 के स्थान पर 5/4, देखो गुणा इससे करना था, इसका मतलब इसका आंसर यहां पे कोई ना कोई आने वाला था, ये आंसर तो इसका क्या होता, सही होता, लेकिन गुणा इससे कर दिया तो यहां कुछ ना कुछ आंसर आया आपका, तो ये आंसर क्या हुआ, गलत हुआ। अब ये जो गलत वाला आंसर है ना, देखो ये या तो ज्यादा होगा इससे या फिर क्या होगा, कम होगा। अगर ज्यादा हो रहा है तो प्रतिशत त्रुटि ज्यादा होगी, और अगर ये मान कम आ रहा है तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे ये सवाल तो है ही नहीं कि ज्यादा और कम भी पूछेगा ना, आपसे केवल और केवल क्या पूछेगा, प्रतिशत त्रुटि। अब वो प्रतिशत त्रुटि चाहे ज्यादा की हो चाहे कम की हो, ठीक है लाडलो, यहां से अच्छे से सीखते हैं। अगर मेरे पास ये संख्या होती, ध्यान रखना इधर, अगर मेरे पास ये संख्या होती, ये संख्या होती, दोनों संख्या समान ही तो है, अगर संख्या होती तो मैं तुरंत आंसर निकाल लेता, मेरा संख्या होती तो मेरा तुरंत आंसर आ जाता,
कि मेरा आंसर ये होगा, लेकिन मेरे पास संख्या ही नहीं है, संख्या नहीं है ना, तो यहां आपको कोई ना कोई संख्या क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जो संख्या यहां मानोगे वो संख्या ही आप यहां पे रखने वाले हो, जो संख्या यहां मानोगे वो संख्या यहां पे रखने वाले हो। देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि मान लिया कि वो संख्या कितनी थी 100। देखो लाडलो इस क्वेश्चन के अंदर आप 100 तो मान लोगे, लेकिन कई बार देखो यहां पे आप 100 मान के भी आंसर निकाल सकते हो। अगर यहां 100 मान रहे हो तो यहां पे भी क्या रखना पड़ेगा, 100। लाडलो यहां तो ये संख्या इससे कट जाएगी, लेकिन अगर याद रखो अगर यहां पे 4 की जगह 3 होता, क्या होता, 3 होता, तो 100 तो 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 3, ये 100 इस 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि आप 100 मत मानना। क्या नहीं मानना है आपको, 100 नहीं मानना है। तो सर अगर 100 नहीं मानेंगे तो फिर माने क्या, अरे नीचे वाली संख्या को ही तो काटना है। देखो यहां से इस संख्या को हटाना है और इस संख्या को हटाना है, तो इस संख्या का और इस संख्या का क्या ले लिया करो, लघुतम ले लिया करो, लघुतम समाप प्रत्यय ले लिया करो। तो 4 और 4 का लघुतम कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो यहां पे भी क्या रखो, 4। 4 से 4 काट दिया तो आंसर कितना आना चाहिए था, 3। 4 से 4 काट दिया तो आंसर कितना आया, 5। तो यहां का मतलब 3 आना चाहिए था, 5 आ गया, तो कितना ज्यादा आया लाडलो, 2 ज्यादा आया, और किससे आया, 3 से आया, और गुणा में क्या कर देना, 100। क्यों कर देना, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि पूछा है, और किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा करोगे, 100 से। 100 को 2 से गुणा किया तो 200 में कितने का भाग, 3 का, 3 का भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा, 66 सही, 2/3 प्रतिशत। आंसर कौन सा सही होगा, डी आंसर सही होगा, बिल्कुल। किस किस का आंसर सही था, रजनीश रूनला, मिंटू रोलानिया का आंसर सही था, और रमेश जी का आंसर सही है, रमेश पलसानिया का आंसर सही है। घबराओ मत, अरे बाकी के घबराओ मत, अब मिंटू रोलानिया और रमेश पलसानिया इससे जल्दी आंसर आप बताओगे, इससे पहले बताओगे आप आंसर, जो भी अभी जिसके आंसर नहीं आए थे ना। करना क्या है आपको, नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है, लघुतम। नीचे वाली संख्याओं का लघुतम लेकर वो संख्या रखोगे ना, तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। 100 मानने की जरूरत नहीं है, 100 मान लोगे इसका तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कई बार नीचे संख्या ऐसी आ जाती है जो उस 100 को पूरा पूरा नहीं काट पाती। तो ऐसी संख्या मैं आपको बता चुका हूं, नीचे वाली संख्याओं का लघुतम ले लिया करो, यहां फिर जो भी संख्या रखोगे ना वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। देखो नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इससे निकालते हैं अपन। किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर, देखो गुणा किससे करना था, 3/5 से, और किससे गुणा कर दिया, 5/3 से। तो आपको यहां पर क्या मानना है, संख्या। अब संख्या 100 मानोगे आप, 100 मानोगे तो ये 5 से तो कट जाएगी, लेकिन 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। करना क्या है आपको, नीचे वाली संख्याओं का लघुतम लो, नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है, लघुतम लेना है, तभी आपके आंसर जल्दी से आएगा। बताओ आंसर क्या होगा, आप बताओगे अब बस इसका आंसर, फटाक से बताओ आंसर क्या होने वाला है। किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर गलती से 5/3 से गुणा कर दिया गया, कोई बात नहीं, गलती से गुणा हो गया तो गलती से गुणा हुआ है तो इसका मतलब रिजल्ट गलत आएगा आपका। जब गलत आ रहा है तो प्रतिशत त्रुटि आपसे पूछी जाएगी, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी वो आपको आंसर बताना है। बताओ लाडलो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। ओम प्रकाश जी देवंदा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका अतुल राजस्थान क्लासेज में, बिल्कुल स्वागत है। क्या होगा इसका आंसर, अरे लघुतम कितना आया सर, नीचे वाली संख्याओं का लघुतम लेना है तो 1 तो 5 का और 3 का 5, अरे लघुतम को भी आप तो चूल्हे में फटक दो, लघुतम को भी आप तो छोड़ो, नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर लिया करो। 5 को और 3 को गुणा किया तो वो संख्या कौन सी थी, 15। यहां पे भी संख्या कौन सी थी, 15।
पांच से कितनी बार कट गया? तीन बार। तीन को तीन से गुणा किया तो आंसर कितना आना चाहिए था? नौ। लेकिन आंसर देखो तीन से कितनी बार कटा? पांच बार। पांच को पांच से गुणा किया तो आंसर कितना आया? पच्चीस। तो यहां पे नौ आना चाहिए था, यहां पे आया कितना? पच्चीस। तो कितना ज्यादा आया? सर ज्यादा आया सोलह, और किससे आया? नौ से। गुणा में क्या कर दिया जाए? सौ। सोलह को सौ से गुणा करोगे तो सोलह सौ। किसका भाग देना है? नौ का। नौ एकम नौ, कितना बच गया? सात। नौ सात तिरसठ, कितना बच गया? सात। नौ सात तिरसठ, कितना बच गया? सात, और बटे में कितना? नौ। तो कहां दिख रहा है आपको ये ऑप्शन? 177 सही, सात बटे नौ। यहां देखो ये रहा आपका ऑप्शन, 177 सही, सात बटे नौ। आंसर कौन सा सही होगा? बी आंसर सही होगा। अब देखो किस किस का आंसर आया है, अभी भी मिंटू ने ही पहले बताया है। मिंटू का आंसर सही है, चंदू का आंसर सही है, रमेश जी का। रमेश जी तीसरे नंबर पे जा चुके हैं लाडलो, अब की बार रमेश जी चौथे पांचवें नंबर पे जाने चाहिए, और ये मिंटू रोलानी अभी चौथे पांचवें नंबर पे जानी चाहिए। नितिन पलसानिया का आंसर सही है, सचिन नागा का भी आंसर सही है। लाडलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क के अंदर सबसे पहले आंसर कौन बताएगा इसका? ये क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, यहां नहीं माना जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर बताने वाले हो, ठीक है? यहां आंसर बताओगे नहीं माना जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं कल फिर 9 बजे इसी टाइम पे। कल ज्यादा से ज्यादा और भी शेयर करना। अभी तक जिनने भी जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, अरे इतना समझाने के बाद तो ठोक दिया करो लाइक, ठीक है लाडलो? बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।